ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 500 साल पहले, जब लगभग पूरे भारत पर मुस्लिम सम्राटों का कब्जा था। एक तरफ शाहजहां तो दूसरी तरफ आदिल शाह और दक्कन के सुल्तान अब्दुल कुतुब शाह। एक देश जहां पर हिंदुओं का घर था, वहां पर पूरी तरह से मुस्लिमों और पुर्तगालियों का कब्जा था। दक्कन के सुल्तान ने अपनी फौज में एक मराठा सेनापति नियुक्त किया था, जो बहुत ही निर्भीक और पराक्रमी था, जिसका नाम था शाहजी भोंसले। 19 फरवरी साल 1630 को शाहजी भोंसले के घर एक बच्चे का जन्म होता है। सभी लोग सोचते हैं अपने पिताजी की तरह ये बच्चा भी एक दिन मुस्लिम सुल्तान के फौज का सेनापति बनेगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। किसे पता था एक ऐसा बच्चा जिसका पिता खुद मुस्लिम सम्राट की फौज का सेनापति है, एक दिन भारत में जितने भी मुस्लिम सम्राट मौजूद हैं, वो सभी उस बच्चे के सामने घुटने टेक देंगे। उसी बच्चे का नाम था छत्रपति शिवाजी, जिसे भारत के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। अरब और खाड़ी देशों से आए हुए मुसलमान भारत के राज्यों पर कब्जा तो कर लिए थे, लेकिन इतनी दूर से यहाँ के राज्यों और किलों को संभालने के लिए मंत्रियों को लाना संभव नहीं हो पाता था। इसलिए उस वक्त के सभी मुस्लिम सम्राट भारत में ही रहने वाले हिंदू लोगों को अपने सेनापति और मंत्रियों के पद पर नियुक्त कर दिया करते थे। इसी सिलसिले में दक्कन के सम्राट ने शाहजी भोंसले को अपनी फौज का सेनापति नियुक्त कर लिया। शाहजी सेना में उच्च पद पर आसीन थे और साल 1630 में महाराष्ट्र के जुन्नर के समीप शिवनेरी के किले में उनके और जीजाबाई के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। स्थानीय देवी शिवाय के नाम से पुत्र का नामकरण हुआ, जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। शिवाजी के पिता का काम के सिलसिले में हमेशा घर से बाहर रहना होता था, इसलिए शिवाजी की देखरेख उनकी माताजी और उनके गुरु दादू जी किया करते थे। शिवाजी के गुरु का मानना था कि शिवाजी भी जब बड़े होंगे तो अपने पिता की तरह मुस्लिम सम्राट के एक बेहतरीन सेनापति बनेंगे। ये वक्त था 1646 के लगभग, जब शिवाजी की उम्र महज 16 साल की थी। उस वक्त भारत में किसी भी हिंदू शासक का अपना स्वतंत्र राज्य को स्थापित कर पाना लगभग असंभव था, क्योंकि भारत के लगभग हरेक हिस्से में मुस्लिम सम्राट का कब्जा था, और अगर कोई हिंदू शासक अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करना भी चाहता तो उसके लिए तीन परिस्थितियों का होना बड़ा जरूरी था। एक कि वो शक्तिशाली साम्राज्य के केंद्र से दूर हो, ताकि कोई भी सम्राट उस पर अटैक न कर पाए। जमीन खेती के लिए अनुपयोगी हो, ताकि कोई भी मुस्लिम सम्राट उस पर कब्जा करने के बारे में सोचे ही नहीं। और तीसरा ये कि वो राज्य जंगलों से घिरा हो, ताकि छापामार युद्ध या फिर गोरिल्ला युद्ध किया जा सके। यही परिस्थितियां साल 1646 में शिवाजी के लिए अनुकूल बनी, जब इन्होंने स्थानीय किसानों मावली के समर्थन से अपनी सेना का निर्माण किया। शिवाजी बहुत ही अच्छी तरह से जानता था कि किसी भी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किलों की क्या महत्वता है, इसलिए सिर्फ 15 साल की उम्र में ही उन्होंने आदिल शाह अधिकारियों को रिश्वत देकर तोड़ना, चाकन और कुंधाना किले को अपने अधिकार में कर लिया। इसके बाद उन्होंने थाना फोर्ट, कल्याण फोर्ट और भिवंडी फोर्ट को मुल्ला अहमद से छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। इन घटनाओं ने आदिल शाही साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया कि आखिरकार ऐसा कौन आ गया जो मुस्लिम सम्राट किस साम्राज्य में दखल अंदाजी कर रहा है। जैसे उन्हें पता चला कि ये काम कोई और नहीं बल्कि शाहजी भोंसले का बेटा शिवाजी कर रहा है, शिवाजी को रोकने के लिए उनके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए शिवाजी ने अगले 7 साल तक आदिल शाह पर सीधा आक्रमण नहीं किया। शिवाजी ने लगभग 7 सालों का इंतजार किया और धीरे धीरे अपनी सेना को बढ़ाता रहा। एक वक्त ऐसा आया जब उसने एक एक करके 50 से ज्यादा किलों को अपने नाम कर लिया। धीरे धीरे शिवाजी का प्रभाव बढ़ने लगा। अब लोगों को यह महसूस होने लगा था कि कोई तो ऐसा है जो मुस्लिम सम्राट को टक्कर देने वाला है। अपने डर को कायम रखने के लिए और शिवाजी के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए साल 1659 में बीजापुर की बड़ी साहिबा ने अफजल खान को 10,000 सिपाहियों के साथ शिवाजी पर आक्रमण करने का हुक्म दे दिया। उस वक्त अफजल खान को सबसे क्रूर और सबसे ताकतवर शख्स माना जाता था, क्योंकि जिसका भी सामना उससे होता था उसकी मौत निश्चित थी। सबसे पहले तो अफजल खान ने शिवाजी को उकसाने के लिए कई मंदिरों को तोड़वा डाला और बहुत सारे हिंदू नागरिकों का कत्ल करने लगा। अफजल खान को इस बात का पता था कि शिवाजी बहुत ही चालाक है, इसलिए वो एक एक करके सभी किलों को अपने कब्जे में ले रहा है। कहीं न कहीं अफजल खान को भी शिवाजी से डर लगने लगा था। यही वजह थी कि अफजल खान ने उसे चालाकी से मारने की सोची।
और अफजल खान ने शिवाजी को मिलने के लिए न्योता भेजा। शिवाजी तुरंत ही न्योता स्वीकार कर लेता है और अफजल खान से मिलने की जगह नियुक्त करता है। जैसे ही दोनों आमने सामने होते हैं, अफजल खान शिवाजी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है और अपने चाकू निकालकर शिवाजी को मारने ही वाला होता है कि शिवाजी तुरंत अपनी कटार को निकालकर अफजल खान का पेट फाड़ देते हैं। इस जीत के बाद शिवाजी का नाम और ज्यादा मशहूर होने लगा। लोगों के मन में मुस्लिम सम्राट का डर लगभग खत्म होने लगा था। इस बार बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को हराने के लिए अपने सबसे बेहतरीन सेनापति रुस्तम जवान को भेजा। रुस्तम जवान की भारी भरकम सेना ने शिवाजी के ऊपर हमला बोल दिया, लेकिन शिवाजी ने कम सेना की मदद से ही लड़ाई को चालाकी से लड़ते हुए रुस्तम जवान को सेना में शिकस्त दे दी। कुछ दिनों बाद आदिल शाह ने अपने सेनापति सिद्दी जोहार को भी भेज दिया। एक एक करके मुस्लिम सम्राटों ने शिवाजी को खत्म करने के लिए कई चालें चली, लेकिन उनमें से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया और धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी का राज्य विस्तार होता गया और उसकी सेना और भी ताकतवर होती चली गई। इसके बाद बीजापुर की बड़ी बेगम ने औरंगजेब से शिवाजी को पकड़ने के लिए विनती की। उसने अपने मामा शाहिस्ता खान को 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से युद्ध करने को भेजा। शाहिस्ता खान ने अपने विशाल सेना के बल पर पुणे पर कब्जा कर लिया और शिवाजी के निवास स्थान लाल महल पर अपना बसेरा डाल दिया। शिवाजी ने चालाकी से अपने 400 सिपाहियों को साथ शादी के बारातियों के वेश में पुणे में प्रवेश कर लिया और रात के समय उन्होंने सीधे शाहिस्ता खान के ऊपर खतरनाक हमला बोल दिया। शाहिस्ता खान ने जैसे ही देखा उनका सामना छत्रपति शिवाजी से हो रहा है, वो डर के मारे खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाकर भागने लगा, लेकिन शिवाजी की तलवार के खतरनाक वार से बच नहीं पाया। हालांकि शाहिस्ता खान जिंदा तो बच गया, लेकिन उसके हाथ की उंगलियां शिवाजी की तलवार से कट गई, जिसकी वजह से उसकी बहुत बेइज्जती हुई। अब तक शिवाजी का साम्राज्य विस्तार बेहद ज्यादा हो गया था और उसकी सेना लगातार हो रही जीत की वजह से बेहद जोश में थी। शिवाजी ने साल 1664 तक कई मुगल सल्तनत पर हमला करके उसको तहस नहस कर डाला, जिसके बाद साल 1664 में औरंगजेब आग बबूला होकर 60 वर्षीय राजपूत सेनानायक मिर्जा राजा जयसिंह को अपने 1.5 लाख सैनिकों के साथ शिवाजी से लड़ने के लिए भेजते हैं। इस युद्ध में शिवाजी की हार हुई और उसे अपने खजाने से ढेर सारा पैसा हार के हर्जाने के रूप में देना पड़ा। उन्हें अपने 9 वर्ष के पुत्र संभाजी के साथ आगरा जाना पड़ा। शिवाजी को नियंत्रित रखने के लिए पहले ये तय हुआ कि उन्हें मुगल दरबार में कोई पद दिया जाए, लेकिन औरंगजेब ने फैसले को बदलकर शिवाजी को घर में कैद करने का आदेश दे दिया। औरंगजेब नहीं जानता था कि यह गलती आगे चलकर बहुत महंगी पड़ेगी। शिवाजी ने पहले बीमारी का बहाना बनाया और अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के आशीर्वाद के लिए साधु संतों और फकीरों को रोजाना मिठाई और उपहार भेजने की इच्छा जताई। एक दिन वो खुद श्रमिक के भेष में सामान के डिब्बे में संभाजी को छुपाकर बाहर निकाला। वो मथुरा काशी गया, पूरी के बाद गोलकुंडा और बीजापुर होते हुए रायगढ़ पहुंच गया। साल 1670 तक शिवाजी ने कई लड़ाइयां लड़ते हुए 4 महीनों के भीतर अपने राज्य का बड़ा हिस्सा मुगलों से वापस स्वतंत्र करा लिया। 1671 से 1674 तक औरंगजेब ने भरसक प्रयास किया कि कैसे भी करके शिवाजी को अपने अधीन कर लिया जाए, लेकिन वह ऐसा करने में पूरी तरह से असफल रहा। अपने उत्तम योद्धाओं जैसे दाऊद खान और मोहब्बत खान को शिवाजी से लड़ने के लिए भेजा, लेकिन सबको मुंह की खानी पड़ी। इसके साथ ही साल 1672 में अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई और बीजापुर में 6 जून 1674 को हिंदू परंपराओं के साथ शिवाजी का राज्याभिषेक किया गया। वो मराठा के राजा बने और कई सदियों के अंतराल के बाद हिंदू रीति रिवाजों, तिलक, जनेऊ और वेदों के उच्चारण के बीच किसी राजा का राज्याभिषेक सम्पन्न हुआ। शिवाजी की महानता सिर्फ उनकी बहादुरी और युद्ध कौशल में नहीं थी, बल्कि वो एक योग्य प्रशासक भी थे। वो उस वक्त का इकलौता ऐसा राजा था जिन्होंने धर्म के आधार पर कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। उनके कई अधिकारी, यहाँ तक कि उनके व्यक्तिगत अंग रक्षकों में कुछ मुसलमान भी थे, उन्होंने कभी किसी नारी का निरादर नहीं किया। यहाँ तक कि युद्ध में हारे हुए दुश्मनों की स्त्रियों को भी सम्मान सहित वापस भेज देते थे। गोरिल्ला युद्ध, किलों का उपयोग और नौसेना का निर्माण भारत में पहली बार शिवाजी ने ही कराया था। उन्होंने 4 किलों और 2000 सैनिकों से शुरुआत की थी और उनकी मृत्यु के समय ये गिनती 300 किलों और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की हो गई। शिवाजी का स्वास्थ्य खराब हुआ, तेज बुखार और पेचिस की वजह से 52 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी, उस वक्त औरंगजेब यहाँ का सबसे ताकतवर शासकों में से एक माना जाता था, लेकिन छत्रपति शिवाजी की वजह से उसे लगभग 25 साल तक युद्ध करना पड़ा।
और अपने जीवन के अंत तक युद्ध लड़ते लड़ते औरंगजेब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। और छत्रपति शिवाजी वो शख्स था जिसकी वजह से कई सालों लंबी लड़ाई के बाद एक बार फिर से पूरा हिंदुस्तान भगवामय हो गया। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी और आप वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में बताना। वीडियो